कालचिनी ब्लॉक के जयगांव में स्थित ननी भट्टाचार्य स्मारक विद्यालय में टीएमसीपी यूनिट कमेटी गठन करने के लिए एक बैठक बुलाया गया। बैठक के दरमियान 31 छात्र छात्रियों को लेकर जयगांव कॉलेज के टीएमसीपी यूनिट कमेटी बनाया गया। सुजीत मुंडा को सभापति, मैक्स मकसीदुल को जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दिया गया। यूनिट कमेटी बनाने के साथ ही छात्र छात्री के पढ़ाई लिखाई एवं भविष्य को भी लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही एनआरसी के विषय में जानकारी दी गई। किस तरह असम में 19 लाख लोगों को एनआरसी की सूची से बाहर किया गया, यहाँ तक कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के परिवार के नाम भी एनआरसी की सूची से छूटा है। बैठक में उपस्थित थे तृणमूल कांग्रेस कालचिनी ब्लॉक सभापति बाबलू मजुमदार, टीएमसीपी ब्लॉक सभापति हैदर अंसारी, जयगांव 1-9 ग्राम पंचायत के प्रधान विष्णु लामा प्रमुख अतिथि। कालचिनी ब्लॉक के सभापति बाबलू मजुमदार ने बताए, आज के पश्चिम बंग राज्य तृणमूल छात्र परिषद पक्ष के एक निर्देशे प्रत्येक कलेजे एक नतून यूनिट कमिटी तैरी हलो, सेटार जन आज के कलेजे जरा आज के जमायत हो तारा नतून एक यूनिट कमिटी जयगा ननी भट्टाचार्य स्मृति महाविद्यालय कलेज आगे कमिटी तो छो ना जेहेतु इलेक्शन है एक केयर टेकर कमिटी छो से कमिटीटे सापलिंग नतून एक कमिटी तैरि एट कमिटी हो 31 जन कर्मी बला आलिपुरदुआारे नतून विश्वविद्यालय हे 2020 साल के नतून विश्वविद्यालय शुरू हो हमारे सरकार नतून एक हिंदी यूनिवर्सिटी जो बोले कालचिनी एक कलेज नागराघाटा एक कलेज स्थापित हो सब कथा आलोचना हलो साथे बर्तमान राजनीति परिस्थिति एनआरसी निये छात्रों के सचेतन करा हलो एरा जे जेखने थाके ग्रामे जेखने चा बागने बस्ती जेखने थाके तारा साधारण मानुष के तारा जेहेतु एडुकेटेड तारा मानुष के सचेतन करार दायित्व ओरा निलो। टीएमसीपी कालचिनी ब्लॉक सभापति हैदर अंसारी ने कमेटी गठन करने की विस्तारित जानकारी दिए। आज जयगांव कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद की ओर से जयगांव कॉलेज यूनिट कमेटी बनाने को लेकर एक बैठक रखा गया था। ये ऑर्डर ऊपर से कलकत्ता से आया हुआ है, ये फॉर्म भी मिला है, उस फॉर्म में सारा स्टूडेंट का डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर देना है। तो आज इसी का हम लोग यूनिट कमेटी का गठन किए जिसमें प्रेसिडेंट हम लोग सुजीत मुंडा को और जनरल सेक्रेटरी जीएस हमारे मैक्स मकसूदुल और आज़ाद अंसारी और साथ पूरा टीम वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ट्रेजरर जन्नत रूपाली और पूरा टीम बनाया गया। आज की मीटिंग में हम लोग को उपस्थित थे पलाचिनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के सभापति असीम मजुमदार और साथ ही जयगांव GP1 के अंचल के सभापति विष्णु लामा जी और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे। असीम मजुमदार जी ने सभी को आश्वासन दिया कि कॉलेज में बढ़िया ढंग से और भी डेवलपमेंट किया जाएगा और साथ ही उन्होंने NRC के बारे में जागरूक किया। साथ ही उन्होंने बताया कि हम लोग का आज BDO ऑफिस में जो काम चल रहा है राशन कार्ड का, उसमें पार्टी की ओर से एक कैंप लगाया गया है जिसमें लोगों का मदद किया जाए और हम लोगों में नहीं, जो आज परिस्थिति चल रही है आज पूरे हिंदुस्तान में सभी का एक डर का माहौल है कि क्या होगा जब रिटायर ब्रिगेडियर सब BSF का रिटायर आर्मी सब का नाम NRC में नहीं होगा तो आम लोग तो डरेगा ही। असम में जो घटना हुआ उसको लेके भी हम लोगों ने जागरूक किया ताकि आप लोग सभी को जागरूक रहें और NRC का ममता बनर्जी जो विरोध कर रही है हम लोग भी इसका विरोध में एकबद्ध हुए आज जयगांव कॉलेज के छात्र संगठन और आगामी काल में जो हमारे जयगांव कॉलेज की टीम है हम लोग यहाँ कॉमर्स की डिमांड कर रहे हैं और साथ ही और भी ज़्यादा स्ट्रीम वगैरह यहाँ चलाने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट असीम मजुमदार मोहन शर्मा जी के थ्रू से हम लोग DM के पास जाने वाले हैं हम लोगों के कॉलेज डेवलपमेंट के विषय को लेकर। के 21 সেপ্টেম্বর শনিবার 2019 আমাদের জয়গাঁও কলেজে এক নতুন ইউনিট কমিটি জয়েন করা হলো, ইউনিট কমিটি গঠন করা হলো, যার আজকে আমি জেনারেল সেক্রেটারি GS হইলাম। পার্টি আজকে আমাকে যা দায়িত্ব দিল আমি তাকে ভালোভাবে অনেক ভালোভাবে নিভাবো, ভালোভাবে পুরো করব। আর প্রথম কথা আমি এটুকু শুধু বলতে চাই যে আমার যে পোস্ট আছে, আমার যে জায়গা আছে, আমি আমার পোস্ট লাগবে না। আমি যেদিন প্রথম ইউনিয়নে জয়েন করছিলাম যখন ইউনিয়ন গঠন হয়েছিল সেদিন আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট হায়দার দা একটা কথা বলেছিলেন
যে কাম এসা করো নাম হো যায়, নাম এসা করো কি নাম শুনতেই কাম হো যায়। তো আমাকে সেটা লাগে, আমি আমার আমাকে আমার পোস্ট লাগবে না, আমার জায়গা লাগবে না, আমি আমার নামে পরিচয়, আমি আমার কর্মে পরিচয়। তো আজকে পার্টি আমাকে যা দায়িত্ব দিল আমি তাকে ভালোভাবে পূরণ করার চেষ্টা করব। আর প্রথম আমি সব থেকে প্রথমে আমি আমার কলেজের NBSM এর স্টুডেন্ট ভাই বোনদের সুবিধার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, হামেশা সবসময় দাঁড়িয়ে আছি। ওদের যা প্রবলেম হবে, যা কিছু হবে, আমি সবসময় ওদের জন্য ধার হয়ে দাঁড়াবো।